चक्कर आते हैं और घर घूमता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक 35 साल का व्यक्ति मेरे पास में आया और काफ़ी सारे कंप्लेंट्स वो बताने लगा। एक तो उसको शुगर था, मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर था, उसके बारे में वो दवाई ले रहा और कंट्रोल में है। बोले अभी मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो बोले मुझे चक्कर आते हैं और घर घूमता है, और बहुत चक्कर आते हैं कि कभी कभी चलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये पूरा घर घूम रहा है, कभी लगता है कि मैं खुद घूम रहा हूँ। और फिर अभी बहुत दिनों से, मतलब कभी करीब करीब दो ढाई महीने हो गए वो घर में बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, बहुत डरा हुआ इंसान कि अभी मैं शायद मर जाऊँगा। मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, बिल्कुल चलता नहीं है, कुछ काम भी करूँ, लेटरिन भी जाऊँ, स्नान भी करूँ, तभी दिमाग में कंटिन्यूस विचार आते रहते हैं। मुझे बहुत कमजोरी है और पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, कभी कभी दो दो दिन लेटरिन नहीं होती और कभी कभी तीन चार बार मोशन एक दिन में हो जाता है। बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस है, पेट में अंगार होती रहती है और कभी उल्टियाँ आती है, कभी जी मछलाता है और दिमाग कंटिन्यूस चलते रहता है। बहुत परेशान हूँ, नींद एकदम ऐसी बहुत ऐसी गहरी आती नहीं, ऐसा लगता है कि मैं सोया ही नहीं हूँ। तो मैंने बताया कि ठीक है, मगर आपकी इन्वेस्टिगेशन कुछ हुए? तो बोले हाँ, इन्वेस्टिगेशन सब किए, सीटी स्कैन किया है, एमआरआई किया, ईजी हो गया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, फिर बाद में और बाकी ब्लड की जांच किया, तो सभी रिपोर्ट टोटली नॉर्मल है, कुछ दिखाई, एंटी चेकअप भी किया था उसने, सब नॉर्मल है। फिर मैंने कहा क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, क्या विचार है तुम्हारे? तो उसने बताया कि मेरी मदर, बोले, हार्ट अटैक से गुजर गई एक साल पहले, और उसके दो महीने बाद, मतलब 10 महीने पहले, मौसी गुजर गई, उसको भी हार्ट अटैक था। तो मदर और मासी गुजर गए, उनको हार्ट अटैक था, दोनों हार्ट अटैक से चली गई, और उनको दोनों को डायबिटीज था। अब इसके मन में तब से बैठा हुआ था कि भाई उनको डायबिटीज था, अटैक आ गया, मुझे भी डायबिटीज है, अभी तो कंट्रोल में है मगर पता नहीं क्या होगा। तो और जिस दिन वो दो महीने पहले विचार आया, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली दो ढाई महीने पहले, और वो पता नहीं कैसा विचार चालू हो गया, और तब से उसको ये चक्कर आना और सब ये बीमारी चालू हो गई और परेशान है। मैंने उसको बोला कि भाई आप विचारों से परेशान है, कंटिन्यूसली विचार आ रहे हैं, ये विचार काय के है, एक्चुअली आप विचार ला रहे कि ऑटोमेटिक आ रहे? बोले नहीं, ऑटोमेटिक विचार आ रहे, मैं काय को विचार करूँ कि मैं मर जाऊँगा? मतलब ये विचार जो आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और विचार कहाँ से आ गए, उसका जड़ का जड़ क्या है? तो जड़ यह है कि भाई मासी गुजर गई और मदर गुजर गई, वो दिमाग में विचार आता है, फिर वो गुजर गए तो कुछ हेरिडिटी है क्या और मैं मर जाऊँगा क्या, मतलब वो एक विचार आ रहा है। तो उसमें फिर आपको एक्चुअली नहीं, बोले मुझे मरने का डर नहीं है, बराबर है, मगर अभी वो चक्कर आना चालू है, घर घूमता है, फिर ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। अल्टीमेटली उसके नीचे जो है वो वही है कि मैं मर जाऊंगा क्या, मुझे अटैक आएगा क्या। तो उसको मतलब कि आप ये विचारों से ग्रसित है, विचार ऑटोमेटिक आ रहे, आप नहीं ला रहे विचार, ये ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी जो है आपकी, एटीएम, वो एटीएम चालू है और वो एंट है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, एंट, ANT, एंट। जब एंट है, चीटियाँ चालू है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, और वो मशीन चालू है, वो क्या कर रही है, वो पूरा पास्ट जो है उसने पूरा पास्ट उठा के ला के रखा है सामने फ्यूचर में, और अभी फ्यूचर में वही दिखता है कि फ्यूचर में मैं मर जाऊँगा, मुझे भी डायबिटीज़ है, मुझे अटैक आ जाएगा, उनको भी चक्कर आई थी, मेरे को भी चक्कर आ रहे, और वो सब पास्ट आपने ला के रखा है फ्यूचर में, फ्यूचर की ओर देखते कि मुझे हो जाएगा, और रोज मर रहे, मतलब एक दिन में मर जाऊंगा, अकाली निधन हो जाएगा, वो एक दिन के चक्कर में रोज मर रहे और रोज अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। तो उसको जब ऐसा मैंने काउंसलिंग किया, एक दो सीटिंग के लिए और बुलाया, बाद में बोले कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने पास्ट में जी रहा था, भूतकाल में जी रहा था, और वो डर डर के रोज जी रहा था। अभी मैंने आपसे ये सीखा कि भाई जो भी है वो आज है, जो भी जीना है वो आज जीना है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है, फ्यूचर किसने देखा नहीं है, पास तो हो गया है, उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी जीना है मुझे प्रेजेंट में जीना है और मैं प्रेजेंट में जीऊंगा। और आज तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट नाउ तो कुछ भी नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, खुशी से जी रहे आज तो, मतलब अच्छी खबर यह है कि आप जीवित है, ऐसा मैंने उसको बोला ना, अच्छी खबर है कि आप जीवित है ना, सबसे बड़ी तो खबर यही है कि आप जीवित है, कहाँ मर रहे हैं, और इतने दिनों से चालू है, ढाई महीने से मरे कहाँ, रोज मरने के विचार आ रहे हैं, मरे तो नहीं। तो उसको वो सब समझ में आने के बाद में मेरा भाई अपन दो तीन सीटिंग बैठेंगे, और मैंने उसको हिप्नोथेरेपी के लिए सजेशन दिया कि भाई हिप्नोथेरेपी आप करो, सजेस्ट किया उसको
हिप्नोथेरेपी उसने चालू कर लिया। हिप्नोथेरेपी से क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आते हैं उसके ऊपर हम हैमरिंग करते हैं, बार 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 विचार डालते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार विचार डाल दिए तो फिर वहाँ से फिर पॉजिटिव एनर्जी बाहर आती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब लोगों को शेयर करो। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करना है, आपको नए रोज रोज वीडियो आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।